चलिए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की, जो कि प्रयागराज से मिल रही, जहां अतीक टैंक के अवैध निर्माण पर अब कार्रवाई की जाएगी। सोमवार से प्रयागराज विकास प्राधिकरण बुलडोजर चलाएगा चिन्हित अवैध निर्माण के खिलाफ, ये पूरी कार्रवाई की जाएगी। 20 से ज्यादा चिन्हित अवैध निर्माण पर कार्रवाई होगी। की बड़ी खबर प्रयागराज से, जो अतीक गैंग के अवैध निर्माण पर अब कार्रवाई की जाएगी। सोमवार से इस कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। चिन्हित अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है प्रशासन। अब 20 से ज्यादा चिन्हित अवैध निर्माण पर कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। ज्यादा जानकारी की रुख करते हैं संवाददाता पवन की। पवन, अब एक बड़ी कार्रवाई प्रशासन की ओर से की जाएगी, अतीक गैंग के अवैध निर्माण पर कार्रवाई होगी। जी, अतीक गैंग के अवैध निर्माण पर कार्रवाई की तैयारी प्रशासन ने पूरी कर ली है। पीएडी ने पूरी जांच पड़ताल करने के बाद माफियाओं की कहां कहां जो है अवैध संपत्ति है, इसकी जांच करने के बाद सोमवार से बुलडोजर चलने का जो है फैसला किया गया है। चिन्हित अवैध निर्माण के खिलाफ सोमवार से बुलडोजर कार्रवाई का एक्शन होगा, जिसमें 20 से ज्यादा चिन्हित अवैध निर्माण पर कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें गुड्डू मुस्लिम का भी जो बमबाज था उसका भी घर इसमें शामिल है। मोहम्मद गुलाम, साबिर, अन्य और अपराधियों को भी जो है बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पवन तमाम जानकारी के लिए। बता दें, अतीक गैंग के अवैध निर्माण पर कार्रवाई करने की तैयारी जो है वो पूरी हो चुकी है और इसे अब अंजाम दिया जाएगा। कल यानी कि सोमवार को प्रयागराज विकास प्राधिकरण बुलडोजर चलाएगा चिन्हित अवैध निर्माण के खिलाफ। बुलडोजर चलाया जाएगा और 20 से ज्यादा चिन्हित अवैध निर्माण पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। गुड्डू मुस्लिम, मोहम्मद गुलाम, साबिर पर कार्रवाई होगी।